आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस in.com से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक रहेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड ये बहुत बढ़िया टॉपिक है डब्ल्यूडी गैन के बारे में, डब्ल्यूडी गैन के हार्मोनिक साइकिल के बारे में हम इस वीडियो में कुछ सीखेंगे। हार्मोनिक साइकिल के बारे में इतना विस्तृत जो जानकारी है उसका यूज कुछ यूज है जो मैंने हमारा जो ज्ञान कोर्स है उसमें दे रखा है, जिसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ हार्मोनिक साइकिल के बारे में, यानी कि टेट्राहेड्रन हुआ, हार्मोनिक साइकिल ऑफ प्लैनेट्स हुआ, ये सारे चीज मैंने कुछ हिस्सा तक दे रखा है। बट ये मेरे रिसर्च के सब्जेक्ट है, हर वक्त वो नया नया चीज उसमें जुड़ जाता है। एंड अभी कुछ नया चीज आ गया, जो भी कोर्सेस में अपडेशन होगा अगले महीने में उसमें भी ये वीडियो डाल दिया जाएगा। आने वाले जो समय में जो वेबिनार होगा उसमें भी ये सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो ये हमारा जो डब्ल्यूडी ज्ञान का कोर्स का जो बायर लोग है, आप ये हार्मोनिक साइकिल ऑफ प्लैनेट्स ये जो सेगमेंट को थोड़ा सीख लीजिए एंड इसका बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम आने वाला है। तो ये जो ज्ञान के हार्मोनिक साइकिल है इसको पहले समझते हैं, ये हार्मोनी होता क्या है। ये एक फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक मूवमेंट, जिसमें आप लोगों ने पेंडुलम क्लॉक दिखा होगा। तो इसमें अगर चाबी हम डाल देते हैं या कुछ ऐसे एनर्जी बैटरी में ये ऑपरेट होता है, ये एक ही डिस्टेंस में मूव करते रहता है, यानी कि इसके ऊपर में भी वो नहीं जाएगा, इसके नीचे में भी वो नहीं आएगा, एक कॉन्स्टेंट पाथ में ये घूमते रहता है। इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। कभी भी एक कॉन्स्टेंट पाथ में, एक फिक्स्ड पाथ में जब भी एक मोशन चलते रहता है उसी को हम हार्मोनिक नेचर बोलते हैं। एंड ये हार्मोनिक नेचर का बहुत यूज है, इतना यूज है आप इसका कल्पना ही नहीं कर सकते ये कितने कितने काम पे ये लगता। पर डब्ल्यूडी ज्ञान ने इसके ऊपर में एक फोर डायमेंशनल थॉट डाला था, एक चार डायमेंशन का थॉट डाला था। पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है, ज्ञान के भाषा ये डब्ल्यूडी ज्ञान का हार्मोनिक साइकिल होता क्या। एंड इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूडी ज्ञान का, जो ज्ञान के ऊपर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत एसेंशियल है, जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे चीज आप कर सकते हो, समय का एक रिलेशनशिप नंबर के साथ में आप निकाल सकते हो, ये सारे चीज इसमें मैं समझाऊंगा, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर आप इसको अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। कुछ अगर क्वेरीज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, ये हार्मोनिका यूज के बारे में एंड ये हार्मोनिका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पे ज्ञान का हार्मोनिक साइकिल जो है ये नेचुरल नंबर 0 और 9 से हुआ, ये है फंडामेंटल साइकिल ऑफ टाइम। इनको बोले कि 0 से 9 तक का जो नंबर है वही है हमारा फंडामेंटल साइकिल ऑफ टाइम। एंड ये कैसे करता है, 12 महीना एक साल में रहता है, उसको हम एनुअल टाइम साइकिल बोलते हैं। 12 महीने में हमारा जो एनुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हर दिन अर्थ का रोटेशन होता है 360 डिग्री अपने एक्सिस के तरफ, अराउंड इट्स एक्सिस, एंड ये 24 घंटे को दर्शाता है। डेली साइकिल, इसको हम डेली टाइम साइकिल बोलते हैं। एनुअल टाइम साइकिल 12 महीना, डेली टाइम साइकिल 24 घंटे, ये सबको पता है। तो यहाँ पे ज्ञान का जो हार्मोनिक साइकिल आया, इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर 1 जो है ये 360 डिग्री का हार्मोनिक साइकिल को दर्शाता है, क्योंकि हमारा जो 1 डे साइकिल हो गया एक दिन में, तो 360 डिग्री घुमा, कल भी एक दिन होगा वो 360 डिग्री ही घूमेगा। इसका मतलब ये है हम 360 दिन में एक डे टाइम को कंप्लीट करते हैं, डेली टाइम साइकिल हमारा है 360 डिग्री में एक दिन कंप्लीट होता है, जो डे टाइम नाइट टाइम मिला के। तो इसी दौरान 24 घंटा भी हो जाता है, तो 360 डिग्री जो है
ये 24 घंटा को दर्शाता है, एक डेली टाइम को दिखाता है। तो ये रिपीटेशन होते रहता है, क्योंकि कल भी 360 डिग्री घूमेगा, परसों भी 360 डिग्री घूमेगा, हर रोज 360 डिग्री का मूवमेंट रहेगा। उसी से ही हमारा डे टाइम नाइट टाइम दोनों रहेगा, 24 घंटा पूरा होते रहेगा। इसीलिए ज्ञान ने पहले बोला कि नेचुरल नंबर वन जो है ये 360 डिग्री का हार्मोनिक साइकिल को दर्शाता है, एंड इसी को हम डबल करते जाए एंड 24 से नीचे वाला जितने भी नंबर्स निकाले वही हमारा हार्मोनिक साइकिल का नंबर बनेगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक साइकिल WD ज्ञान ने जो बताया, उन्होंने ये बताया, पहला नंबर तो आपको समझ में आ गया, इसको डबल कर देते हैं, दो दो को कर दिए चार, चार को कर दिए आठ, आठ को कर दिए 16, 16 के ऊपर नहीं रहेगा। हमें हार्मोनिक साइकिल का नंबर जब हम निकालेंगे वो नंबर 26 से कम होना चाहिए एंड वो डबलिंग को फॉलो करता है। तो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक साइकिल बन गया। बट हमें जो 0 to 9 का जो पहला मैंने बताया था, 0 to 9, तो 0 तो 0 ही रहेगा, उसका इंपोर्टेंस बाद में आएगा। तो ये जो 26 तक का नंबर है, पहले 1 आ गया, 3 नहीं है इसमें, 2 आ गया, 3 नहीं है, 4 आ गया, 5, 6, 7 नहीं है, 8 आ गया, 16। तो अभी हमारा 3 नहीं है, सेकेंड हार्मोनिक साइकिल जो है ये 3 से शुरू होगा। फर्स्ट हार्मोनिक साइकिल शुरू हुआ 1 से, सेकेंड हार्मोनिक साइकिल हुआ 3 से, यानी कि 3 में 1 quarter होता है, 3 महीना 1 quarter माना जाता है, 12 महीने में आपका 1 साल कंप्लीट होता है। ये हाफ ईयर ये पूरा हो गया, जो 6 महीना यानी कि 1 quarter, एक हाफ ईयर एंड ये हो गया आपका 12 यानी कि फुल ईयर एंड 24 घंटा तो है ही। तो 3 का साइकिल में 3, 6, 12, 24 यानी कि ये सारे नंबर 24 से कम है एंड शुरू हुआ है 3 से, ये इनको बोला जाता है सेकेंड हार्मोनी। पहला हार्मोनी, सेकेंड हार्मोनी मिल गया, थर्ड हार्मोनी कहाँ होगा? यहाँ पे 1, 2, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 मिसिंग, तो 5 से शुरू करेंगे, 5, 10, 20। 20 को अगर डबल करेंगे 40 हो जाएगा, हमें 26 से नीचे का नंबर चाहिए। तो थर्ड हार्मोनी हो गया 5, 10, 20। ये सारे हार्मोनी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फोर्थ हार्मोनी क्या हुआ? 7 and 14 यानी कि यहाँ पे 1, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 तो यहाँ पे है फर्स्ट हार्मोनी में, 5 हम यहाँ पे निकाल दिए, 6 हो गया, 7 नहीं था, तो 7 and 14, 14 को डबल करेंगे 28 होगा, हमें 26 से नीचे का नंबर चाहिए। फोर्थ हार्मोनी में 2 नंबर रहते हैं, 7 and 14। फिफ्थ हार्मोनी में रहता है 9 and 18। तो इसी से ज्ञान ने ये रिवील किया, ज्ञान ने ये बताया सिर्फ 5 हार्मोनी ही पॉसिबल है, ये जो 5 हार्मोनी ही पॉसिबल है। एंड फर्स्ट हार्मोनी में आपका 1, 2, 4, 8, 16 रहेगा, सेकेंड हार्मोनी में 3, 6, 12, 24 रहेगा, थर्ड में 5, 10, 20 रहेंगे, चौथा में 7 and 14 रहेगा, 7 days in a week again, एंड यहाँ पे 9 and 18 रहेंगे। तो इसी तरह से आपका 5 हार्मोनी ही रहेंगे। इसी हार्मोनी को जब हम 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे हमें हार्मोनिक डिग्रीज मिलेंगे। ये हार्मोनिक साइकिल का नंबर निकल आया, हार्मोनिक डिग्रीज मिलेंगे एंड यही डिग्री से हमें हार्मोनिक टाइम्स मिलेंगे। तो इसी को मैं एक्सेल में अभी दिखाता हूं। अभी फर्स्ट हार्मोनी में आपका बचा 1, 2, 4, 8 यानी कि एक वाला में 360 डिग्री एक हार्मोनी, यहाँ पे 2 हार्मोनी यानी कि 360 को हम 2 हिस्से में तोड़े 180 डिग्री, उसके बाद में 360, इसको 4 हिस्से में तोड़ेंगे तो 9, 90, 80, 270 ऐसे करके 360। 8 हार्मोनी 16, 16 में 22.5 डिग्री आता है एंड हमें क्या पता है 1 degree = 4 minutes, 4 मिनट होता है समय, यानी कि 22.5 डिग्री जो रहेगा ये 90 टाइम यूनिट को दर्शाएगा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। एंड ये 22.5 डिग्री एक छोटा डिग्री नहीं है, ये 22.5 डिग्री का मल्टीपल है 45, 67.5, ये सारे डिग्रीज रहेंगे एंड ये जो 22.5 भी एक प्लैनेटरी डिग्री को भी दर्शाता है, एक प्लैनेटरी डिग्री को भी ये कोइंसाइड करता है। तो ये जो हार्मोनी है फर्स्ट हार्मोनी साइकिल का,
1, 2, 4, 8, 16 रहे, एंड जब हम डिग्रीज में सेपरेट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 1/16 ऑफ शेयर लेते हैं, तो 22.5 से शुरू होके 360 तक ये जाता है। सेकेंड हार्मनी में उसी तरह से 3, 6, 12, 14, तो 12, 26, तो यहाँ पे भी 60 मिनट। सो पहला जो हार्मोनिक साइकिल में देखो 90 मिनट, 1.5 आवर, 1 घंटा, तो यहाँ पे जो फिफ्थ हार्मनी हो गया ये 80 मिनट, 80 मिनट्स को दर्शाया। तो जो थर्ड हार्मनी हुआ यहाँ पे 72, 144 अगेन स्क्वायर ऑफ 144 एंड 144 भी जुपिटर साइकिल को दर्शाता है। तो साइकिल नंबर 3 यहाँ पे आ गया। हार्मोनिक 4 102 मिनट यानी कि 7 और 14 को दिखाया, 25.71 डिग्रीज को दर्शाया, ये भी लुनार इंग्रेस का एंगल है, एंड ये 102.85 हुआ। ये सब एडवांस डब्ल्यूडी ज्ञान के कॉन्सेप्ट है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये हार्मनी है क्या। हार्मनी यही है एक रिपीटेशन को हम फोरकास्ट करेंगे, एक रिपीटेड एक्टिविटीज को फोरकास्ट करेंगे। कब एक चीज हो गया तो रिपीटेशन वो कब होगा, वही से हार्मनी हमें इसीलिए हेल्प करेगा। एक इवेंट हो गया, वो इवेंट फिर से कब होगा, उसी को जानने के लिए हम डब्ल्यूडी ज्ञान का हार्मोनिक साइकिल को यूज करें। एंड इस हार्मोनी के साइकिल में 5 ही हार्मोनी रहते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हार्मोनी। हर हार्मोनी का एक अलग सेट ऑफ नंबर्स रहते हैं, एंड हर नंबर का एक डिग्री रहता है, एक स्पेसिफिक डिग्री डिविजन रहते हैं हर हार्मोनी का, एंड हर डिग्री का एक टाइम डिनोमिनेशन भी रहता है। तो यही होता है डब्ल्यूटी ज्ञान का हार्मोनिक हार्मोनिक मोमेंट या हार्मोनिक नेचर या हार्मोनिक साइकिल। इसको कैसे काम करने लगाना है, आपको एक पार्ट दिया गया है ज्ञान कोर्स में, हार्मोनिक साइकिल ऑफ प्लैनेट्स एंड इसका यूज, एंड बाकी का जो है इस ये मेरे रिसर्च के सब्जेक्ट में है। आगे आने वाले दिनों में मैं इसका भी आपको खुलासा करूंगा, इसमें से क्या क्या हम कर सकते हैं। तो यही हुआ ज्ञान के हार्मनी। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण एडवांस कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूडी ज्ञान का। अगर डब्ल्यूडी ज्ञान के कॉन्सेप्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।